वेलकम बैक नाजरीन, मां बाक फिर ज्यादा हाजिर आए द लेट नाइट शो विद केटीएन में आई तहां सा गद एकड़ी नई पर्सनालिटी जी मुलाकात कराइनस आज जे शो में जिया त असन जो शो हुंदो आहे विमेन एम्पावरमेंट ते और छा है औरत इन ते गाल बोल थी नी इन ते गलाइनासी आई हर उन खूबसूरती ते गलाइनासी जेका औरत जे वजूद सा वाबस्ता है आई काफी अड़ियो गालियो आहन जेके गालहण सा खुलंदियूं आहिनि, ख़बर पवंदी आहे त इहे हक़ीक़तूं आहिनि दुनिया जूं ऐं ज़हनी तरीक़े सां जेका जदोजहद आहे, जेका औरत पंहिंजी जंग आहे जेका विढ़े थी पई असांजे सोसाइटीअ में रही करे, उहा कीअं आहे, उहा छा थी पंहिंजे पाण खे सम्झे, कीअं थी पंहिंजे पाण खे दरियाफ़्त करे, ॾाढो बहितरीन हिकिड़ी ॻाल्हि ॿोल आहे ऐं असां कंदासीं असांजे जेको असां सां गॾु गेस्ट हूंदा उन्हनि सां बि ॻाल्हि ॿोल रहंदी ऐं ॾाढी ख़ूबसूरत मां सम्झां थी असांजी सोसाइटीअ में जीअं मर्द आहिनि, मर्द सां शाना बशाना औरतूं पंहिंजो पाण मञाए रहियूं आहिनि ऐं अहिड़नि ई छोकिरियुनि जे लाइ अहिड़नि औरतुनि जे लाइ असां जी इहा ज़िमेदारी आहे जेके स्क्रीन ते तव्हां सां गॾु मुलाक़ात थींदी आहे हर हफ़्ते मूं समेत काफ़ी अहिड़ियूं ॿियूं बि असां सां लेडीज़ हूंदियूं जेके मां सम्झंदसि त पंहिंजी पंहिंजी फील्ड में ॾाढो बहितरीन कमु करे रहियूं आहिनि, उन्हनि जी हिकिड़ी ज़िमेदारी आहे, हिकिड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे जेका मां सम्झां थी त उन ते पवे थी त उन्हनि खे ॾिसी काफ़ी अहिड़ियूं छोकिरियूं अहिड़ियूं नियाणियूं आहिनि जिन खे उत्साह मिलंदो आहे, उन्हनि में का हिकिड़ी ख़्वाहिश पैदा थींदी आहे ख़्वाब ॾिसण जी ख़्वाहिश ऐं ख़्वाब छा आहिनि, उन्हनि जी साभ्या कीअं कजे ऐं करणु घुरिजे बि या न करणु घुरिजे, हे उहे सवाल आहिनि जिन जा जवाब असां ॻोल्हींदा आहियूं ऐं ज़िंदगीअ में कुझु ॻोल्हे वठंदियूं आहिनि छोकिरियूं बहितरीन ऐं कुझु वरी उन जदोजहद में रहंदियूं आहिनि त उन्हनि जी साभ्या उन्हनि खे मिली वञे, पर असां लेडीज़ ते छो था ॻाल्हायूं पिया, मर्दनि ते छो नथा ॻाल्हायूं, मर्द छा आहे, छा उन ते ॻाल्हाइणु उनखे सम्झणु हिकु माण्हूअ जो हिकु फ़र्द जो फ़र्ज़ु नाहे छा, सो इहे उहे ॻाल्हियूं आहिनि जिन खे सम्झिबो जिन खे ॻाल्हाइबो ऐं वॾा टॉपिक्स आहिनि, पर जीअं चइबो आहे न त इंसान ज़िंदगीअ में घणो कुझु करे थो, घणो कुझु दरियाफ़्त करे थो, ॻोल्हे लभे थो, ॻोल्हे लभणु जेको आहे न मां चवां थी नाज़रीन ॾाढो ख़ूबसूरत अमल आहे, पर सभ खां पहिरियों जेको अचे थो मुश्किल अमल पंहिंजे पाण खे ॻोल्हे लभणु, त इहो हिकिड़ो सुवाल बि आहे त छा कंहिं पंहिंजे पाण खे ॻोल्हे लभियो आहे, छा मां ॻोल्हियो आहे, छा तव्हां पंहिंजे पाण खे ॻोल्हे लभो, इहे सभु ॻाल्हियूं जेके आहिनि ज़िंदगीअ जो हिसो आहिनि, इन्हनि ते असां ॻाल्हाईंदासीं, बहितरीन गुफ़्तगु आहे जेका जारी रहंदी ऐं मूं सां गॾु कुझु ख़ूबसूरत शाइर आहे जेके उन जूं लिखणियूं मूं वटि आहिनि, सो मां चाहींदसि त उन जा ज़रूरु उन जा शेर पढ़ां, बहितरीन शाइर आहे बख़्तावर मंसूर, मां त सम्झंदी आहियां त घटि अहिड़ियूं औरतूं आहिनि जेके इहा हिमत ॾेखारनि थियूं त उहे पंहिंजा जज़्बा लिखी सघनि, शाइरी लिखी सघनि, उन शाइरीअ में उन शाइरा जूं फीलिंग्स जेके आहिनि उहे रिफ्लेक्ट थियनि, सो हिकिड़ी ॾाढी ख़ूबसूरत ग़ज़ल आहे जेको मूंखे ॾाढो बहितरीन इम्पेक्ट उन विधो जॾहिं मां पढ़ियो फस्ट टाइम उनखे, सो मां ज़रूरु तव्हां सां हिन शइ खे जेको आहे शेयर करणु चाहींदसि, ग़ज़ल आहे माठ बि आहे शऊर बि आहे, माठ बि आहे शऊर बि आहे मूं ते मुंहिंजो गौर बि आहे, हिकिड़ो माण्हू मुंहिंजे आॾो साध आहे ज़ोर बि आहे, मूंखे मासीअ ऐं तोले सां रोज़ कंदी बुख तोर बि आहे, मूं में मुंहिंजो वक़्तु ख़तमु थियो मूं में मुंहिंजो दौर बि आहे, वाह ख़ूबसूरत, अखि में हिकिड़ो लुड़क ॾिसे थो दिलि में रहंदो मोर बि आहे, हीअ हयाती हिन जे सिर तां खाॿे हथ जी घोर बि आहे, ख़ूबसूरत ज़बरदस्त शाइरी ज़बरदस्त ग़ज़ल बख़्तावर मंसूर जी ऐं अहिड़ियूं ख़ूबसूरत लिखणियूं जेके मां सम्झां थी असांजे शाइरनि जी ख़ूबसूरती आहे त हिकिड़ो दांव आहे तीअं हिन आर्ट खे फ़न खे उन्हनि पंहिंजे ज़िंदगीअ सां वाबस्ता करे जोड़े करे हिकिड़ी नई तख़लीक़ ॾिनी आहे ऐं तख़लीक़ ॾियणु औरत जो कमु आहे ऐं इहो औरत ई ॼाणे सघे थी त उनखे बहितरी कीअं मिलंदी हिन तख़लीक़ी अमल खे उहा अञा उहा ख़ूबसूरत कीअं बणाईंदी, अहिड़ी हिकिड़ी ख़ूबसूरत औरत जेका मां सम्झां थी तख़लीक़ी औरत आहे अॼु असांजे प्रोग्राम में एज़ अ गेस्ट शामिलु आहे, उन्हनि टाइम कढियो आहे बहितरीन आहे, टीवी स्क्रीन ते बि तव्हां उनखे ॾिसंदा हूंदव ऐं
एज एन एक्टिंग एज एन एक्टर अदाकारी जो हुनर भी उन्हें दिखारियो आहे ऐं क्लासिकल डांसर भी आहे खूबसूरत डांसर आहे ऐं गॾो गॾु सिंगिंग भी कंदी आहे ऐं एजुकेशनिस्ट भी आहे पढ़ाईंदी भी आहे सो आर्ट ऐं फन सां रिलेटेड घणो कुझु आहिनि जेके कनि पियूं काफ़ी अहिड़ियूं ॻाल्हियूं आहिनि जेके असां उन्हनि सां ॻाल्हाईंदासीं त ख़बर पवंदी त अॼुकल्ह उहे छा थियूं कनि सो असां सां मौजूदु आहे कैफ गज़नवी वेलकम कयूं था कैफ खे थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस यू वेलकम इट्स एन ऑनर टू बी हियर काश मुझे सिंधी मेरी याद होती जो मैंने सीखी थी मुझे इतना अच्छा लग रहा था सुन के आपको हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आप आई हैं और बेसिकली हम ये पूरा सिंध ही है चाहे जबान कोई भी हो बोलने वाली लेकिन जब तक आप सिंध से वाबस्ता है ना तो वो एक फीलिंग आ जाती है कि ये अपनी कोई चीज है अपने कोई जड़े हैं रूट्स हैं जो आपको बांधे हुई है अपने साथ आपका एक रिश्ता है जो और कनेक्शन मजबूत होता है और बहुत आपका सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार करूंगी दूसरा ये कि हमारे नाजरीन वो लोग जिनको पता नहीं है हु इज कैफ गज़नवी कैफ गज़नवी इज जस्ट एन ऑर्डिनरी पर्सन ओह नो 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 दैट्स नॉट ट्रू सीरियसली आई मीन देयर आर मेनी अदर मतलब बाक मैं सोचती हूं कि आपने बड़ा इंसान नहीं बनना होता पर इंसान ही बन जाए तो बहुत बड़ी बात होती है बहुत जबरदस्त तो ये इंसानियत इसका इसमें जो हसासपन होता है इसके अंदर जो इमोशंस हमारे जज्बात होते हैं इनको मेरा ख्याल है पनपना चाहिए इन्हीं को हमें कल्टिवेट करना चाहिए बहुत ज़रूरी है तो शायद जो भी मैंने आज तक किया है बतौर एक इंसान एक औरत और एक बेटी एक बहन एक दोस्त और एक कॉलीग ऑल्सो उसमें यही चीज़ रही है कि इंसानियत जागी रहे उजागर रहे और किसी भी वक्त ऐसा ना हो कि मैं किसी के लिए हसास ना रहूं ये बहुत मतलब रहम नहीं हसास होना बहुत ज़रूरी है लोग है ना आपका आपने पहले एक ये रिश्ते वो आपने गिनवाए जो आप हर इंसान के होते हैं चाहे वो किसी भी फील्ड का हो लेकिन एक रिश्ता होता है जो अपनी ज़मीन अपने लोगों के लिए होता है जो इंसान अपने आर्ट के थ्रू अपने फन के थ्रू उसका इसका एक्सप्रेस करता है टीवी स्क्रीन पर लोगों ने आपको देखा बहुत मैं नाजरीन के बताई दी हलंदस्त है ॾाढा बेहतरीन ड्रामा सीरियल आहिनि जिन में अदाकारी करे रही कई करे चुकियूं आहिनि ऐं थिएटर परफॉर्मेंस डांस परफॉर्मेंस आर्ट आर्ट एक आर्टिस्ट परफॉर्मर जेका चइजे न उन्हनि में हिनजो नालो अचे थो ऐं ॾाढो बहितरीन क़िस्म जो कमु कयूं थियूं तो जो किस हर एक आपने जो आर्ट क्या अलग अलग फॉर्म्स हैं एक डांसिंग है परफॉर्मिंग है एक्टिंग है एज एन फाइन आर्ट एज अ पेंटर है तो आप यहाँ पर सबसे ज़्यादा आप ज़्यादा कंफर्टेबल किस में फील करती हैं कि भाई ये चीज़ जो है कैफ गज़नवी का एक अपना सर्कल है ये कहना बड़ा मुश्किल है क्योंकि जिस उतार चढ़ाव से हम गुजरते हैं मेरा ख्याल है बतौर आर्टिस्ट मेरे अंदर जो भी सलाहियतें हैं जो खुदा की तरफ से मुझे कुदरत की तरफ से मिली हैं वो उसी वक्त उजागर होती हैं जब उसका वक्त होता है तो कभी अगर मेरा दिल कर रहा होता है कि मैं थिएटर में एक्ट करूँ तो वो मुझे अपॉर्चुनिटी मिल जाती है ऑब्वियसली आप उसके लिए भागदौड़ करते हो आप उसके लिए कनेक्शंस अपने बना के रखते हो पर कोशिश यही रही है हमेशा कि दिल कर रहा होता है टेलीविजन में अब काम आ जाए तो मिल जाता है दिल कर रहा होता है कि अच्छा अब सिर्फ गाने की तरफ मुतवज्जा रहना है सिर्फ रियाज करना है तो वो भी आपको मौके मिल जाते हैं जितनी आसानी से कह रही हूँ उतना आसान होता नहीं है लेकिन चूँकि आपने अपने तरीके को अपनी सोच को उस तरफ फोकस किया होता है तो जिंदगी में और फिर आपकी चॉइसेस बहुत मैटर करती हैं ये जो जब कोई कहता है ना मुझे मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी मुझे उस पर बड़ा ताज्जुब होता है क्योंकि ये मुझे निशानदेही कराता है कि आपने कभी जिंदगी में उस इंसान ने जो ये बोल रहा है बात वो ये कह रहा है कि मैंने कभी जिंदगी अपनी जिंदगी की बांगे पकड़ना सीखी ही नहीं और आप चॉइसेस होती हैं आपके पास आप समझते अच्छा यार इस दफा मुझे घर में पैसा कमा के देना है मुझे ज़रूरत है घर वालों को का पेट भरने की फैमिली होती है ना तो आप फिर वो चूज करते हो वो उस तरह के प्रोजेक्ट्स चूज करते हो उस तरह की जिंदगी को अपनाते हो लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो अपने मन चाहा पसंद अपनी चॉइसेस को चूज
भी नहीं कर पाती, ये भी एक प्रिविलेज है मैं समझती हूं। काफी ऐसी औरतें हैं जो नहीं कर पाती। नहीं, मैं इससे डिसएग्री करूंगी, मैं इससे डिसएग्री करूंगी। अच्छा। क्योंकि देखिए मजबूरी, मैं शायद ऐसे समझती थी कोई 15 साल 20 साल पहले तक, पर अभी रिसेंटली कुछ 10-12 सालों में मैंने कुछ ऐसे मेरे साथ वाकयात हुए हैं जिसमें जब मौका भी मिला कि अपनी जिंदगी को, क्योंकि बदलाव जो है ना किसी के लिए वो बहुत मुश्किल है करना, पर एक दफा आपको वो आपकी सेट हो जाए ना चीज के मैंने बदलना है अपने हालात को, मैं मजबूर नहीं हूँ, ये कब तक हम गाते रहेंगे मैं मजबूर थी वो बेगैरत था, ये तो मुझे अजीब बात लगती है ना। मतलब आपको चॉइसेस मिली है कि आपने शादी करनी है, मैं अब बहुत धक्यानुसी सा एक जुमला ले रही हूँ, या मर्दों के लिए कह दूं कि मेरी माँ ने कहा शादी कर लो शादी कर लो शादी कर लो, फिर यार मैंने घुटने टेक ही दिए, यार मैं कब तक बता, मेरी माँ चाहती थी बच्चे कर लो, मैंने उनको करके दे दिए, वो अपने पोतों की शक्लें देखना चाहती थी, बेटियों का भी कुछ ऐसे ही होता है सीन। तो मैं सोचती हूँ कि यार ये मतलब मेरी भी जिंदगी में ऐसे बहुत मौके आए। तो मतलब आपका कहना है कि अगर कोई औरत ये कहती है कि मैं करना चाह रही थी लेकिन मैं नहीं कर पाई, मजबूरियां हैं, या उसको वो मौके नहीं दिए गए, तो कहीं ना कहीं वो खुद भी अपनी पैर की जंजीर बनी हुई है। हाँ, वो आपकी चॉइस है, आपने चूज किया है। देखो अगर जो हमारी सोसाइटी है आपको वो चॉइस नहीं दी जा रही, नहीं, उन्होंने चूज अगर है, अगर उसको वो दिया जाए कि अगर आपने ये चूज करना है तो या तो फिर आपको तलाक दी जाएगी, घर छोड़ के जाना पड़ जाएगा, तो फिर तो अल्टीमेटली तो आप चूज यू चूजिंग नॉट टू लीव दैट रिलेशनशिप, राइट। अभी हम बहुत सारी बातों को इसमें अप्लाई करें। देखिए आपके पास जब आप किसी भी दोराहे पे खड़े होते हैं या चौराहे पे खड़े होते हैं तो आपके पास दो रस्ते होते हैं या चार रस्ते होते हैं, उसमें आपको जो सबसे बेहतर रास्ता लग रहा होता है अपने सर्कमस्टांसेस के अंडर रहते हुए वो आप वो चूज करते हो। ज्यादातर वो जो चॉइसेस होती है ना वो अपने सोसाइटी रिलेटेड होते हैं, तो नहीं वो आपने नहीं रहते हैं, नहीं नहीं वो आपने चूज किया है कि आपने देखें आप गुर्बत में बेइज्जत हो रहे हैं किसी के हाथों, आप चूज कर रहे हैं क्योंकि आपने ये डिसाइड किया है कि मैंने लोग क्या कहेंगे ये नहीं बर्दाश्त करना। बेसिकली यू आर व्हाट यू चूज, और आप उससे समझौता करें, मैं ये कह रही हूँ रोए मत, रोए मत। अब देखिए अगर जो भी आपकी जिंदगी चल रही है, हर एक की जिंदगी परफेक्ट नहीं होती, बाग सबको पता है, आपकी भी जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव होंगे, मेरे भी हैं, तो मैं ये नहीं कह सकती कि ओ मैं तो फुल फ्लेच वो जिंदगी जी रही हूँ जो मैं फ्रीडम से कहती हूँ, नहीं। पर हाँ मैं एक ऐसी जिंदगी जी रही हूँ जिससे मैंने समझौता किया है और जो मैं खुशी हूँ, मैंने चूज किया, मेरी चॉइस, और जब तक आप चूज नहीं करोगे, आप जब तक ये इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करोगे ना कि यार ये मैंने चूज किया है, तब तक आप उस चीज में बदलाव नहीं ला सकोगे। आप हमेशा ये कहते रहोगे मैं तो किसी के टुकड़ों पर पल रही हूँ, मैं तो किसी के कहने पर चल रहा हूँ, मैं तो किसी के आगे घुटने टेके हुए, नहीं। आपने जब वो ही ये सोच है, ये माइंडसेट है कि अगर आपके पास ये अब हम इस स्टूडियो में बैठे हुए हैं, वी आपने चूज किया है कि हमने ये कॉर्नर डिजाइन करना है, इस स्टूडियो को तो आप नहीं चेंज करोगे, कर ही नहीं सकते ना, क्योंकि किसी और ने आपको स्टूडियो बना के दिया है। इसकी सेटिंग क्या होगी, इसमें कौन बैठेगा आगे, आपने किस तरह की कलर सेंसिबिलिटी रखनी है। जिंदगी भी ऐसे ही होती है कि आपका जो घर है, चाहे आप उसे जबरदस्ती रह रहे हैं और आपने डिसाइड कर लिया भाई मैं एक तलाक याफ्ता औरत नहीं रह बन के जिंदगी गुजारना चाहती, या मैं अपने बच्चे नहीं छोड़ के जाना चाहती, या अब मैं बाहर निकल जाऊंगी तो मैं क्या करूंगी, ये आपने चूज किया है। अब मैंने इधर मैं इधर रह रही हूँ तो मैंने अपनी जिंदगी को बेहतर कैसे बनाना है, दिस इज कॉल्ड इंटेलिजेंस। जबरदस्त, बहुत बेहतरीन बात। जेका गाल आए तो तवां जेको चूज था कियो, तवां जेका चॉइस आए तां जी जिंदगी है, उहा ही तवां जी जिंदगी में तवां जो मकाम डिसाइड करे थी, तो तवां के केड़े मकाम ताई पहुंचणो, तवां के जिंदगी में छा करणो, छा सजी उमर औरतन के घर में रहणो आहे, उहे बार ॾियणा आहिनि, बार पालणा आहिनि, पंहिंजी का सुञाणप नाहे ठाहिणी, या वरी सोसाइटीअ में अॻिते वधणो आहे, का सुञाणप ठाहिणी आहे, त तव्हांजे नाले जे करे तव्हांजे ख़ानदान खे सुञाणियो वञे, तव्हांजे नाले जे करे तव्हांजे ॿारनि खे सुञाणियो वञे। सो इहे सभु चॉइसिस आहिनि जेके औरत चूस करे थी ऐं पंहिंजी ज़िंदगीअ खे अञा बहितर ज़िंदगी बणाए सघे थी। काफ़ी अहिड़ियूं चॉइसिस आहिनि जॾहिं अक्सर जीअं त मां अॻु में बि ज़िक्र कयो त औरत पाण ई चूस करे थी त नथी वञा, भला छॾ, हीअं थींदो, हे मसलो थींदो, सोसाइटीअ में बैरियर्स ईंदा, चैलेंजिस ईंदा, माण्हू छा चवंदा,
यू नो बेसिकली ये सब में वाला टैबू आता है मानू छा चल रहा है लोग क्या कहेंगे लोग क्या कहेंगे बिल्कुल और ये लोग कौन होते हैं इनका कभी कौन लोग हैं अच्छा ये मर्द भी गुजर रहा होता है इसमें से बिल्कुल मैं बिल्कुल, इस बात को सिर्फ औरत पे नहीं रखना चाहती सोसाइटी का अपना एक वो है ना मियां है तो जाहिर है सोसाइटी में मर्द भी है औरतें भी है और ये दोनों इस चीज को सफर कर रहे हैं और मर्द का तो बहुत मुझे लगता है कंडीशनिंग बड़ी गलत हो जाती है हम कहते हैं कि क्यों हमारा मर्द जानवर तो नहीं है ना मतलब मेरा बेटा इस वक्त 2 साल का होने वाला है इतना प्यार करता है वो मुझे इतना प्यार करता है वो कि वो आता है कभी कहीं चूम रहा होता है कभी कहीं चूम रहा होता है सबको गले लगा रहा होता है फिर एक वक्त आएगा कि मैं उसे कहूंगी भाई मर्द बन हाँ और जा कमा के आ जा तू मेरे बुढ़ापे का सहारा है ये क्या जुमले हैं सही है। ये तूने बहन की इज्जत बचानी है क्यों बचानी है भाई बहन को बनाओ बेटी को बनाओ इतना स्ट्रांग बतौर माँ और बाप हम अपनी बेटी को इतना स्ट्रांग बनाए कि उसको जरूरत ना पड़े अपने भाई के सहारे की तो ये जो मर्द का सेवियर का सिंड्रोम और औरत का विक्टिम का सिंड्रोम ये दोनों आपस में मुल्क इतनी डिसफंक्शनल सोसाइटी बनाते हैं कि मैरिज का तो तिया पांचा कर दिया हमने इंस्टीट्यूशन का इतनी खूबसूरत ये जिंदगी होती है शादी की हाँ रिश्ता भी है कॉन्ट्रैक्ट भी है इसको हमने दोनों तरीके से देखना है कि आप एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं जिसमें आपको स्टेट लॉ दे रहा है कि आप इस तरीके से अपने आप को बचा सकते हैं अगर कोई ट्रेजेडी हो जाती है आपको खामन मारने वाला मिल गया वो जो भी वजूहात होती हैं वो मुझे लगता है ज्यादातर ट्रॉमास होते हैं मर्दों के भी आप बाहर निकले मैं ओपनली इस वक्त बोल रही हूँ आपको लगता है कि हर तीसरी गली में अगर एक औरत रेप हो रही है तो हर गली में एक तीसरे घर में एक मर्द रेप हो रहा है इतना बड़ा ये ट्रॉमा है जिसको हम एड्रेस नहीं करते मर्द आके बोलते नहीं है कि हमारे साथ ज्यादती हो गई क्योंकि उनको गाली लगती है औरत का रेप जो है वो फिर भी एक्सेप्टेबल हो जाता है कि छुपा लो इज्जत बचा लो शादी करो पर मर्द के लिए जो वो जो एक गाली होती है रेप होने की वो कुछ और गालियों में बोल नहीं सकती अभी लेकिन एवरीबडी नोज कि वो गाली आप अपने आप को भी नहीं एक्सेप्ट कर करा सकते औरत तो रिलीव करती है ना कि मेरे साथ ये हुआ मेरी बॉडी ट्रॉमा में मैं मेंटल हेल्थ में से गुजर रही हूँ मर्द तो इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं करता और फिर वो कैसे निकलता है बाहर क्योंकि याद रखें अगर आप ट्रॉमास अपने एक्सेप्ट नहीं करेंगे और उनको हील नहीं होने देंगे ये मैं मर्दों के लिए भी कह रही हूँ औरतों तो आप जल्लाद बन जाएंगे क्योंकि आपका जिस्म कहेगा मैं तकलीफ में हूँ और आपका दिमाग कहेगा मैं एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हूँ ये जंग शुरू हो जाएगी एक जिस्म की जो कि तख्लीक करती है बहुत सारे इमोशंस को और एक दिमाग जो कि ईगो है जो कि सप्रेस कर रहा होता है तो जिस्म कहता है कि उठाओ हाथ मैं तुम्हें नहीं रहने दूंगा तुम रो नहीं सकते अब कुछ और तरीके से उस अग्रेशन को बाहर निकालो तो आपके पास सबसे ज्यादा आसान बच्चे मारपीट बच्चों पे इतनी बुरी मारपीट हो रही होती है क्योंकि बच्चा तो अपने आप को रोक नहीं सकता अग्रेसर कौन होता है उसके साथ क्या क्या हुआ होता है हमने कभी सोचा ही नहीं तो हम सिम्टम्स के ऊपर बात कर लेते हैं हम सिम्टम्स के ऊपर डिस्कशंस कर लेते हैं उसको सिम्टम्स को हम ठीक करने की कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन जो रूट कॉज है कभी उस पर डिस्कशन ही नहीं होता बात ही नहीं होती है करना नहीं चाहते ना क्योंकि आपको लगता है कि ये मुश्किल है और ये इस पर ये चॉइस है आपकी आपने चूज किया है तो अब बहुत ऐसे घराने मैंने देखे हैं जिसमें बाप जो हैं वो हुए हुए रेप उन्होंने बेटों को कहा चुप हो जाओ क्योंकि वो भी रेप होके आए हैं बच्चे 4 साल की उम्र में कितना छोटा सा 2 साल का बच्चा होता है बाहर सड़क पर निकल जाता है लड़की को हम नहीं निकलने देते लड़कों को हम जाने देते हैं ना तो अभी कितना इंडस्ट्री में इस वक्त चमड़े की फैक्ट्री में चले जाएं 5-5 साल के 4-4 साल के बच्चे आपको नशा करते हुए मिलेंगे उसका समझ पॉन्ड का वो बाग आप देख नहीं सकते वो नजारा वो इतना मुश्किल नजारा है देखना कि आप पैरालाइज हो जाते हैं आपको लिटरली लकवा मार जाता है तो हकीकतें जो है सोसाइटी की वहां पर फिर क्रिएटिविटी आप कहां देखती हैं कोई अगर फनकार है कोई आर्टिस्ट है चाहे वो किसी भी फील्ड से वाबस्ता हो वो इस ट्रॉमा से भी गुजर रहा है उसको ये चीजें दिख भी रही हैं वो सेंसिटिव भी है इमोशनल भी है सेंटिमेंटल भी है आम लोगों से ज्यादा है तो फिर वो अपना एज एन आर्टिस्ट वो क्या करे वो किस क्रिएटिविटी यहाँ पर कहाँ पर है चेंज लाने की जो हिम्मत है वो किधर है ये सब आप चेंज कहाँ देखती हैं फिर यहाँ पर क्या करना चाहिए देखिए बाग आप चेंज करने दुनिया को नहीं निकले हुए लेकिन आप किसी की
किसी के लिए उसकी पूरी दुनिया नहीं बदले पर किसी के लिए उसकी दुनिया बदल सकता है, उसकी वो चेंज कर उसके सर्कमस्टेंसेस बदल के। एक जो चीज बहुत मुश्किल है और जिसको आप अपने अंदर बड़ा करते हो, जो मैंने भी कोशिश कर रही हूँ, कभी कभी हार जाती हूँ, कि जो भी देख रही हूँ उसको अपने ऊपर अफेक्ट ना होने दो, हसासपन रहे पर इतना अफेक्ट ना होने दूं कि मैं मेंटली डिस्टर्ब ना हो, मेंटली या फिजिकली भी डिस्टर्ब। ये चीजें जब आप देखते हैं आपको जिस्मानी तकलीफ होती है, आपके पेट में दर्द होता है, इतनी शदीद मरोड़ होते हैं कि आपको दिल करता है आप एक फीटल पोजीशन में जाके बैठ जाओ, क्योंकि आपने आपको दिल करता है आप अपने आप को, जो आपके अंदर की रूह है उसको भी आप चाहते हो कि किस तरीके से गले लगाओ कि क्या देख लिया और क्यों हो गया और ऐसे कौन लोग हैं जो इस पूरी इंडस्ट्री को चला रहे हैं और छोटे छोटे मासूम बच्चों को या इनोसेंट लोगों को तकलीफ में डाल रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपना पैसा कमाना होता है। तो आप क्या करते हैं कि बतौर इंसान अपने आप को इस तरह से कल्टीवेट करते हैं जिसमें आप अफेक्ट नहीं होते, आपने गिरना नहीं है, आपने अपने अंदर वो हिम्मत, ये चॉइस की फिर बात है, you choose to see and then you can't unsee it, aap us ignore nahi kar sakte, and then you choose to not to do anything about that, yes wo to wo banda ho gaya jisme aap kehte ho ki oh to bato yun karke aapne tauba kar li, musalle dekha kar liya, lekin jab aap wo dekh ke andekha jo hota hai na wo unhone asal mein dekha nahi hota kyunki unke andar hasaspan hota hi nahi hai, lekin agar aapne dekh liya hai तो आप इसको अनदेखा कर ही नहीं सकते क्योंकि आपकी मेमोरी में वो इमेज फिट हो चुका है। अब आप क्या करते हो कि बतौर इंसान, बतौर आर्टिस्ट अगर मैं देखूं तो मैं उसको किसी तरीके से उसके बारे में बात करने की कोशिश करूंगी, अपने आप को अगर मेरे अंदर हिम्मत है तो मैं उन लोगों के लिए अपने आप को अवेलेबल करने की कोशिश करूंगी, आई वुड लाइक टू लिसन टू देम, लेंड अ ईयर। एंड इधर फिर एक और बात आती है, जब आप उनकी कहानी सुन रहे होते हो तो ये जो फीलिंग ऑफ डिस्गस्ट है, फीलिंग ऑफ जजमेंट है, फीलिंग के इन्होंने कहीं गलती की थी तो कहीं ना कहीं इनकी गलती है, ये सब बातें आपको अपने अंदर से बार बार निकाल के फेंकनी होती है क्योंकि ये आती हैं, आती रहती है कि आप कहते हो कि यार ये तो बड़ी बेवकूफी कर दी, पर लेकिन कहीं ना कहीं इसकी वही बात है कि इंसान अपने आप से ही लड़ रहा होता है, एक अंदर ही अंदर एक जंग है जो हर वक्त ही तारी रहती है और आप उस जद्दोजहद में रहते हैं कि आप आया आप जीतते हैं, आपका जमीर जीतता है। ये अगर जद्दोजहद जिंदा है ना तो आपके अंदर हसासपन जिंदा होगा, एम्पैथी आपके अंदर होगी, फिर आपकी इंसानियत कभी नहीं मरेगी। तो ये एज एन आर्टिस्ट दिस हैज टू बी कंटिन्यू, दिस हैज टू बी कंटिन्यू, और ये बहुत जरूरी बात है। दाड़ी बेहतरीन गालियो हलन पियो वही उनन उनन मामलन ते कैफ गालायो आए जिन ते गालहन छा जे बारे में डिस्कशन करण बुधण एक्सेप्ट करण मुश्किल होंदो आ सोसाइटी में, पर ओए मामला हन जे के असानी सोसाइटी का बाहर ना हन, असानी सोसाइटी जा ही आ हन, तो जडे उनन ते गालहाइबो डिस्कशन कभी तो कोई मामला बेहतर थी ना, तहां के थोड़ी अवेयरनेस मिलंदी, कुछ काथे ना काथे के ने के के थी तो सके का मदद थी तो सके का गाल उनन तई पहुंचे और उनन के एहसास थे ता कुछ एड़ा मणु आहन जिन के फील थे तो दाडी बेहतरीन गालियो हलन पियो आई कंटिन्यू रखना सी इनन गालन के पर वक्त थे ने जे साई जो सो वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक खां पोइ हाज़िर आई हूँ और कैफ के साथ बहुत ही बेहतरीन किस्म की गुफ्तगु जारी है। कैफ, आपने सिंगिंग का भी जिक्र किया, सीखा है कुछ कहीं से? जबरदस्त, मेरी जो वो हैं स्थानी हैं या गुरु हैं अश्विनी मोदक उनका नाम है, वो पूना में रहती हैं। अच्छा। और बहुत अच्छा क्लासिकली मुझे ट्रेन कर रही हैं वो, मैं ढूंढ रही थी कि कोई मुझे, कब से सीख रही है? जो क्लासिकल ट्रेनिंग है वो मैं 2 साल से बाकायदा ले रही हूँ, तो वो काफ़ी स्ट्रेन्यूस होती है और
बहुत सी जगहों पर वो मुझे देखती हैं और मुझे खुद बताती हैं कि अब आप इस तरह से कर लें, उस तरह से कर लें, क्योंकि मुझे शौक नहीं है कि मैं नॉर्मल गाने गाऊं, ऑल तो गाती मैं बहुत हूँ, लेकिन ये जो सुरों का वो है, ताना बाना है, और जो सुरों के पूरा मैदान है उसको सीखने का, समझने का और देखने का मुझे बहुत शौक है। तो मैंने जब उनको ये कहा तो उन्होंने कहा फिर आप डूब जाएं क्लासिकल मौसीकी में, तो रियाज बहुत कराती हैं और बहुत अच्छा लगता है। इंटरनेट पे सारी वो होती है, सबक मिलते हैं, शुक्र इंटरनेट है, वरना वीजास का जो प्रॉब्लम है उसमें इंडिया जाना बहुत मुश्किल हो गया। अच्छा, पहले अदाकारी, फिर डांस, सिंगिंग और काफी स्टेज परफॉर्मेंसेस आपने दिए, तो ये वेरिएशंस कैसे आती है? खुद ही फील होता है कि चलो अब ये कर लेते हैं, या कोई होता है कहता है कि ये भी कर लो, तो फिर उसके कहने पे आप ट्राई कर लेती हैं? नहीं, फिर नहीं, ऐसा नहीं होता। अंदर से मैं इंस्टिंक्टिव हूँ बहुत, मैं जैसे ही मेरे अंदर कोई तार छिड़ता है किसी चीज़ का, चाहे डांस का हो या किसी चीज़ को, वो मुझे फॉर्म होता है, ऐसे लगता है मुझे कि मेरे जिस्म और मेरा दिमाग और मेरे इर्द गिर्द का जो एनवायरनमेंट है खुद मुझे बता रहा होता है कि आज ये कर लो। तो आज या मतलब अगले कुछ महीनों या साल के लिए, तो पर बाक आप ये देखो ना, आप खुद बतौर इंसान हम कितनी सारी इमोशन से गुजरते हैं, तो जिंदगी में एक तरीके का काम करते करते बंदा बोर हो जाता है ना, अपने आप को रीडिस्कवर करना, डिस्कम्फर्ट में लेकर जाना, ताकि आप मजीद अपने आप को समझ सकें कि आपके अंदर की सलाहियतें का, मतलब ये मुझे बार बार आयत याद आती है कुरान की कि और तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे, तो ये हम उनका वो है, मौजज़ा है, इस खुदा का मौजज़ा है इस दुनिया में, और उसने हमें अशरफुल मखलूकात बना के भेजा, तो हमने अपने आप को भी टटोलना है कि हमारे अंदर का जो इंसान है या रूह है, या हमें जो जीन्स का एक पूरा मजमू, अब साइंस आ गई है तो जेनेटिक कोडिंग हमारी क्या है, लेट्स सी कि अंदर ना कि हम सिर्फ ये देख रहे हो कि अच्छा मेरा अब्बा ये था, मेरा अम्मा ये है, मेरे दाद के नान के ये हैं, तो मैं यूँ हूँ, मैं उनका अक्स नहीं हूँ, मैं उनके थ्रू इस दुनिया में आई हूँ पर उनके लिए नहीं आई। मतलब आप एक्सप्लोर करना पसंद, बहुत जरूरी है, हर एक को करना चाहिए। आप खुद बाग अपने आप को देख लो, यूर एन आर्टिस्ट, आप पेंट भी करते हो बट आप मीडिया हैंडल कर रहे हो, इस तरह बैठ के बात करना, शो चलाना, ये हर एक की बस की बात नहीं है, और आपके अंदर और भी सलाहियतें होंगी। आपने मुझे बताया कि आपकी फैमिली एक्सप्लोर नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा, तो हर बंदे के अंदर बहुत सारी सलाहियतें होती हैं, हम इजाजत नहीं देते क्योंकि एजुकेशन का सिचुएशंस ऐसी बन गई हैं, हमें बताया जाता है सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है कि मैं कैसे मुझे पता चलता है, मैं आपको ये बताऊँ, इसकी कड़ी जुड़ी हुई है मेरे एजुकेशन के दिनों में, जब मैं मिडिल स्कूल में थी, तो मैं कोई इतनी ए ग्रेड स्टूडेंट नहीं थी, क्योंकि मेरा दिल करता था तो कभी मैं ज्योग्राफी में टॉप हो जाती थी, दिल करता तो कभी बायोलॉजी बड़ी अच्छी करती थी, अच्छा लग रहा होता तो मैथ्स में भी अच्छे मार्क, वरना कभी कभी फेल हो जाती थी। तो मुझे टीचर्स जो मेरी बहुत, जो मेरी क्लोज टीचर्स थी, जिनको मैं मेंटोर समझती हूँ आज भी, उन्होंने मुझे कहा कि जब बात होती थी कि भाई ये तो ए प्लस स्टूडेंट नहीं है, ये ए ग्रेड ले नहीं पा रही, और मैं बड़ी डिसहार्टेंड होती थी, तो मुझे बताती थी कि तुम, यू आर नॉट मेंट टू टेक एज इन ऑल द सब्जेक्ट्स, अगर कैफ तुमने सब में ए ले लिया तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि तुम परफेक्ट किस में हो या तुम अच्छी किस में हो, फिर तो तुम सिर्फ एक ऐसे इंस्टीट्यूशन की जो भी डिकोडिंग होती है उसको कर चुकी हो, उसकी कोडिंग को डिकोड कर चुकी हो, एंड यू आर जस्ट परफॉर्मिंग इट राइट, पर तुम्हारे अंदर से क्या चीज निकल रही है और उसको तुम कितनी अच्छी तरीके से आगे बाहर लेकर आ रही हो, ये सिर्फ ऐसे ही पता चल सकता है कि उस वक्त तुम किस दौर से गुजर रही थी और तुम्हें क्या चीज ज्यादा अच्छी समझ आ रही थी, क्या चीज नहीं अच्छी समझ आ रही थी। तो ये सब मरहले हैं ना, फेजेस हैं इंसान के, हर फेज में इंसान की अलग तबीयत होती है, अलग मूड होता है, बिल्कुल, तो जाहिर है अलग चॉइसेस होती हैं, अलग अलग किस्म के आपके वो करने का दिल चाहता है, तो आपको अपने जिस्म को सुनना बहुत जरूरी है, ना कि दिमाग को, क्योंकि दिमाग आपको कहता है कि दुनिया के साथ चलो, पर जिस्म कहता है दिल के साथ चलो, क्योंकि दिल चाह रहा है कुछ करने का, घर डालो, मतलब कत्ल मत करो किसी को ना ही कोई माली नुकसान पहुंचाओ, लेकिन अगर दिल कर रहा है अपनी शनाख्त को समझने का और उसको सामने लाने का, लेकर आओ, और वो शनाख्त किसी भी तरीके की हो सकती है,
हो सकता है कोई बंदा, कोई आदमी है, वो अब तो खैर मौजूदा शेफ साहब को मेल बहुत अच्छे मिल जाते हैं पाकिस्तान में भी, लेकिन मैं 90s के दौर में देखती हूँ बहुत कम थे मेल शेफ्स, और बड़ा उसको जनाना प्रोफेशन समझा जाता था, या फिर ये जो मेकअप आर्टिस्ट है पहले फीमेल होती थी, पर देखा ज्यादातर मेल मेकअप आर्टिस्ट ज्यादा अच्छे हैं, हेयर ड्रेसर्स अच्छे हैं। तो ये क्या बात हुई, ये इन लोगों ने एक्सेप्ट किया ना कि हम इसमें अच्छे हैं, हम इसी में काम करेंगे। और जब आप वो काम कर रहे होते, और ये मेरे साथ भी बहुत होता है, जिसको आप भरपूर तरीके से लेकर चल रहे होते, तो काफी ऐसे मेल क्लासिकल डांसर देखे। जी जी, बहुत खूबसूरत डांस करते हैं। अब हमारे यहाँ पे डांस टैबू है, बिल्कुल एक गलत उसकी वजह से, इंटरप्रिटेशन की वजह से वो डांस टैबू हो गया था। हालांकि रक्स हमारी ट्रेडिशन का हिस्सा है। जी जी, आप अगर देखें हमारी जो अपनी 5000 साल पहले की सकाफत है, मोहनजो दड़ो से लेकर वो रक्स तो हमारे अंदर अब और पीछे चले जाएं, और पीछे मेहरगढ़ में चले जाएं, बिल्कुल बलूचिस्तान में आपको जो मिलती हैं उसके, हम तो जा नहीं सके वहां तक, लेकिन आप सही कह रही हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन वो सारी बातें ठीक है अपनी जगह, लेकिन जब आप मौसीकी में आती हैं तो क्या चीज ज्यादा परफॉर्म करने में आपको ज्यादा मजा सुकून मिलता है, और ऐसा क्या गाना है कोई इस तरह का जो आपको फील लगता होगा कि ये मतलब मेरा है इस तरह? देखिए हर दौर में अलग अलग गाने पसंद आए, मुझे फोक बहुत पसंद है सुनना, और उसको उसमें एक अलग सी कुछ सुना भी देना हमें फोक, मुझे सिंधी का तो नहीं आता। नहीं नहीं, आप कोई भी सुनाए, आप अपना जो आपको बेहतर लगे, मौसीकी तो वो है जिसकी कोई जबान ही नहीं। हाँ, ये तो बात सही कह रही हैं, सुरों की कोई जबान, कोई जबान ही नहीं है। ये सज्जाद अली का एक गाना है जो रिसेंटली मैंने सुना है, तो इन्होंने कुछ साल पहले गाया था, पर बड़ा प्यारा पंजाबी में इन्होंने कंपोज किया उसे, और ये जो दरिया रावी दरिया है उसके इर्द गिर्द है। तो जे रावी विच पानी कोई नहीं, ते अपनी कहानी कोई नहीं, जे चन बेलिया कोई ना, ते किसे नू सुनानी कोई नहीं। खूबसूरत, बहुत जबरदस्त। मैंने बहुत जुमले गलत कर दिए, सॉरी। लेकिन जो भी है दिल को छूने के लिए काफी है, आई एम श्योर। उम्मीद आए तो नाजरीन भी के बदन पे और इनके दिल ताइन भी सुर और पुहता होगा। ये जो अपने ताल और सुर का खेल है ना, ये बहुत मैं समझती हूँ एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता इस चीज़ को। और इसी तरह जो अपना आर्ट है, चाहे वो कोई भी परफॉर्मिंग हो, आपने अदाकारी भी काफ़ी उसमें की है, ड्रामों में की है, टेलीविजन स्क्रीन पर भी, ऐसा कोई खास प्रोजेक्ट जो आपके दिल के बहुत करीब रहा हो? मैंने अब एक बहुत, हाँ, उसका ड्रामे का नाम था मैं जहन से ड्रामे का नाम भी निकल गया, अभी शायद याद आ जाएगा। उसमें मैं वनी में आई हुई एक खातून थी, और बहुत ही मुझे उसमें जो अच्छी बात लगी थी उस कैरेक्टर में, कि वो वनी में जिस भी उसको उसके साथ हुआ बहुत अच्छा, किसी ने उसके साथ बुरा नहीं किया, लेकिन बतौर औरत जब उसको बीवी का एक दर्जा नहीं मिला, और उसको ये रियलाइज़ हुआ कि ठीक है मेरी सास मेरे साथ बहुत अच्छी है और मैं इस घर में बहुत खुश हूँ, लेकिन मेरी अपनी कोई हैसियत नहीं है, क्योंकि जो मुझे लॉ ने इजाज़त दी फ्रीडम की वो मुझे कभी मिला नहीं। तो जब तक तो ये औरत खामोश रही और उस घर को संभालती रही, उसकी रिवाज और जो भी उसके ट्रेडिशंस हैं उसके साथ चलती रही, तो तब तक वो अच्छी थी। लेकिन जब उसने अपना हक मांगना शुरू किया, और उसने जो एक बीवी का हक होता है, जो एक औरत का हक होता है बतौर फ्री, एक औरत का हक जो होता है वो हुआ, तो वो एकदम से नेगेटिव औरत बन गई। तो मुझे लगा ये लॉ का उसके अंदर, उसमें लॉ बहुत हमने डिस्क्राइब किया कि औरतों के हकूक क्या हैं, आपको शरीयत क्या कहती है, आपको कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहती है, तो वो मुझे नरेट करने में बहुत मजा आया।
बहुत सी जगहों पर मैं अपने आप को समझती हूँ कि मैं आगाह हूँ बहुत सारे हकूक से अपने, लेकिन इस दौराहे पे अगर आप बतौर इंसान खड़े हो जाएं आके, तो फिर आपने किस किस किस्म से आप अपने आप को फ्री करा सकते हैं, और वो आसान नहीं होता। तो वो मुझे लगा कि ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, और मैं इसलिए इस कैरेक्टर में इसलिए इंटरेस्टेड, सिर्फ सिंध में वनी का नहीं इशू, ये बहुत सारी औरतें आप देखें बाहर मुल्कों में भी वट्टे सट्टे होते हैं, आपने भाई जो है वो सेट हो जाएगा, हाँ ग्लोबल इशू है, हाँ, एक सोसाइटी, हाँ, पर्टिकुलर वो नाम वनी का इधर अप्लाई होता है, पर बहुत सी जगहों पर औरत तो सफर ये करती है, हाँ, ना, मर्द भी करता है, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ बार बार कि क्योंकि आप जब किसी के पास गए हो वो आपको नहीं पसंद कर रहा, खुद सोचो आप एक मर्द के साथ रह सकते हो जिसको आप पसंद नहीं कर सकते, तो एक मर्द कैसे एक औरत को बर्दाश्त करे जब वो उसको पसंद ही नहीं है। अब आपने उनको ये अगर जानवर समझ लिया है और बकरियों के यानी दो मादा और वो है, एक पिंजरे में डाल दो बच्चे हो जाएंगे, तो मतलब ये तो आप जानवर तो नहीं हो ना। मैं माँ बाप के लिए सोचती हूँ कि क्या क्या सोच के वो इस तरह की चीजें करते हैं कि हाय तेरा भाई सेट हो जाएगा, चली जा कैनेडा शादी करके, उसको बुला लेना वहां पे, या हाय हाय वहां पर कोई कुछ ना कहना, उन्होंने तेरे क्या कहते हैं बाप का बिजनेस जो है वो संभाला, या तुम्हारा तो प्रेशर और गलत है। काफी एक अरसा आपने पढ़ाया भी है, हाँ, तो यंग जनरेशन में आप क्या देखती हैं कि मतलब इस चीज का एक्सेप्टेंस, इस चीज की अवेयरनेस है कि नहीं है कि सोसाइटी में क्या करना है, आर्ट वहां पर क्या है, क्या लैकिंग है? जब आप इंटरेक्ट करते हैं यूथ के साथ तो क्या फील होता है आपको, वो किस तरह की यूथ है? यंग जनरेशन तो बेचारी, मैं कह रही हूँ आज का की जो मैं जनरेशन है मुझे तर्स आता है उन पे, क्योंकि जो एजुकेशन सिस्टम हमने उन पे लागू किया है वो उनको एक क्लूलेस, माइंडलेस, विदाउट एनी विजन इंसान बना के, स्टूडेंट बना के ग्रेजुएट करवा रहा है। तो आपके पास आइडेंटिटी क्राइसिस हैं, आपके पास वो बच्चे हैं आ रहे हैं बाहर जो दे फील दैट देयर एंटाइटल्ड, दे फील दैट देयर उनका जो ट्रॉमा है वो सबका ट्रॉमा है, और हर थोड़ी थोड़ी देर बाद वो हो जाते हैं, हाँ, ये अग्रेशन ही होता है ना, इसलिए होता है क्योंकि आप क्लूलेस हो और आप माइंडलेस हो। ये जब अग्रेशन आता है इसी तरीके से, जब आपको बिल्कुल वो कर दिया जाता है एक बॉक्स में फिक्स करके और बाहर निकाल दिया जाता है, और फिर उसके अगेंस्ट कोई चीज आती है तो आप फौरी तौर पर बिफर जाते हो, क्योंकि आपके पास ये समझ ही नहीं है कि दुनिया में, मुल्क में, आपके खित्ते में या आपके मोहल्ले में हर एथनिसिटी का बंदा रह रहा है जिसके अपने अपने सर्कमस्टांसेस हैं। जी जी। और उस सर्कमस्टांसेस से वो इंसान बना है, वो उसका मजमूआ है। तो अगर आप ये समझ रहे हैं कि आप हर्फ आखिर हैं और आप ही हैं और इसके अलावा और कुछ नहीं है, तो ये उस घोड़े से कम नहीं है जिनके हम यहाँ पर वो लगा देते हैं और रेस में दौड़ा देते हैं। बिल्कुल, एक रेस है और आपने दौड़ना है, आपके बच्चे भी हैं छोटे छोटे प्यारे से, और पता नहीं वो क्या बनेगा, मेरे ड्रोनी लगते हैं। बहुत छोटे बच्चों की आप परवरिश करिए, पेरेंटिंग आप कहाँ देखती है इन सब मामलात में? आप एज एन आर्टिस्ट है, एक एजुकेशनिस्ट है, इतना कुछ सोचती हैं, समझती हैं, चीजों को करीब से देखती हैं। आजकल के जो लोग हैं, जैसे आप कहते हैं कहीं ना कहीं हमारे जाहिर पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा जिम्मेदार हैं कि वो अपने बच्चों की किस तरह परवरिश करें, बेटों की कैसे करें, बेटियों की कैसे करें, आप किस तरह मैनेज करती हैं चीज़ें, आपको क्या आप सेटिस्फाई हैं या आप बहुत चाहती हैं कि जो अभी नहीं किया आपने वो करना है एज अ पेरेंट? बतौर एक वालदा मैं सोचती हूँ मेरे ऊपर जो जिम्मेदारी है वो सिर्फ एक है कि मैंने अपना बेस्ट वर्जन इनके सामने देना है, और वो बेस्ट वर्जन तभी होगा जब मैं खुश रहूंगी और जब मैं वो काम करूंगी जो मेरे दिल को अच्छा लग रहा होगा। तो ऐसा कोई भी मैं काम नहीं करती, ऐसी कोई भी मैं चॉइस नहीं लेती जिसको मैं हजम ना कर सकूं, चाहे वो मुश्किल ही चॉइस क्यों ना हो, चाहे वो मजबूरी में ली चॉइस क्यों ना हो, वो मेरी चॉइस है। और अब मैंने उसको अपने हिसाब से सबसे अच्छा निभाना है, तो उसी तरीके से मैं उनको वो पूरा भरपूर प्यार दे सकूंगी जो उनकी तरफ बनता है,
मैंने उनको कोई बड़ा आदमी या औरत नहीं बनाना, क्योंकि वो खुद तलाश करेंगे कि उन्होंने क्या करना। हाँ, मैंने एक ऐसा एनवायरनमेंट घर में क्रिएट करना है जिसमें, और ये खाली मैंने नहीं करना, चूंकि मेरे साथ मेरे हस्बैंड भी हैं, या तो मैं सिंगल पेरेंट होती तो मैं करके बात करती, पर ये साथ जो है ना, ये इस तरह से चलता है कि मैंने ऐसी कोई भी अपने हस्बैंड के साथ मिलके घर में चीज इंट्रोड्यूस नहीं होने देनी जिससे वो आइडेंटिटी क्राइसिस में आ जाएं, या उनको लगे कि वो लव्ड नहीं है, या उनको लगे कि उनको धुतकारा जा रहा है। बस ये मेरी जॉब है। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, छोटे छोटे मामलात हैं नाजरीन, नंढियूं ॻाल्हियूं इन पर ॾिठो वञे त इन जो इम्पैक्ट तमामु वॾो पवंदो आहे। त तव्हांजे ॿारनि खे पंहिंजे घर में छा उहा स्पेस मिले थी त उनखे इहो फील थिए त असांखे एक्सेप्ट कयो वञे थो, असां जीअं आहियूं असांखे उहा रहण ॾियनि था, ऐं असांजे क्रिएटिविटीअ खे, असांजी सोच खे हिकिड़ो तरजीह ॾेई वञे थी। असां वटि हिकिड़ी जाइ आहे, एक उहो जॻह होती आहे न, जब बच्चा अपने घर में ई फील करे कि मैं बंधा हुआ हूँ, पिंजरे में हूँ, तो घर से ज्यादा सेफ जगह उसको कहाँ मिलेगी? अच्छा, घर भी कहाँ जाएगा? बाक घर भी जो है ना, कभी कभी नासूर इसलिए बन जाते हैं क्योंकि हम उन बातों को, ये वही वाली बातें हैं कि हम उनको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होते, या उनको अनदेखा कर देते हैं, क्योंकि मैं बतौर अपने रिश्ते जो चला रही हूँ उसमें मुझे मुश्किल हो जाएगी झेलना। बदलाव लाना आसान काम नहीं है, चाहे आप अपने बच्चों के लिए ला रहे होते हैं। आप जब माँ बन जाते हैं और बाप बनते हैं तो आपको लगता है कि आप दुनिया से लड़ जाएंगे लोगों के लिए। आपने दुनिया से नहीं लड़ना, पर आप उस दुनिया को एंटर ही ना होने दें जो कि आपके घर में इंतशार फैलाना चाह रही है। तो बस इतनी सी बात, आपने गेट कीपिंग करनी है, आपने गेट कीपिंग करनी है नफरत से, ताकि वो आपके बच्चों तक ना आ सके। बाकी आप हर तरह का उन्हें एक्सपीरियंस करने दें। अगर उनको नजर आ रहा है कुछ, तो आप उनकी, उनको प्यार से और समझ से उनकी परवरिश करें। अगर आपको लग रहा है आपका बच्चा गलत रास्ते पे जा रहा है, उसको नुकसान पहुंच रहा है, वो गलत रास्ता नहीं जो मेरे हिसाब से हो, जो उनके लिए हो, जिससे उनको जानी या माली नुकसान पहुंच रहा हो, तो आप उसको रोक लो। हाँ, कुछ जगहों पर आप, हमारे बच्चे बहुत नुकसान करते हैं अपना, पर वो एक एक्सप्लोरेशन मोड भी होता है। वहां पे आपने बस मोहब्बत रखनी है और एम्पथी क्रिएट करनी है। ये दो चीजें, ये एक, बस एक ही ये जॉब है आपकी, कि आपने अपना बेस्ट वर्जन अपने बच्चे के लिए बनना है। आपने वो वर्जन नहीं बनना जो दुनिया को है। आप डिप्रेस रहोगी, हाँ, रोती रहोगी कि हाय मेरे साथ ये, हाय मेरे साथ ये, मैं करना चाह रही हूँ लेकिन नहीं कर पा रही हूँ, तो वो बच्चे पे क्या असर? बहुत बुरा असर पड़ेगा। बच्चे को आपसे मोहब्बत तो रहेगी, पर वो आपसे नफरत भी करेगा साथ साथ, या वो एक डिसबैलेंस्ड इमोशंस के साथ जिंदगी को ऐसे देखेगा कि शायद जिंदगी में ऐसा ही होता है। हाँ। मुझे अगर जिंदा रहना है तो मुझे डिप्रेस ही रहना है। हाँ। वो शायद इस चीज को ज्यादा समझेगा क्योंकि उसने अपने घर में यही देखा होता। हाँ। अब जैसा मैं और जिशान अक्सर हम बहुत प्यार से एक दूसरे से बात करते हैं, बच्चों के सामने बहस भी करते हैं, लेकिन उसमें कहीं पे भी नेगेटिविटी नहीं होती। बहस मुबाइसा भी अगर वो भी हेल्दी एक्टिविटी है, अगर आप रिस्पेक्ट के दायरे में रहे तो एक एक वो माहौल घर में दिया जाए कि इख्तलाफ राय अगर तमीज से और मुलायमत से हो, और कभी कभी नहीं होता लेकिन होना चाहिए, तो वो आपका बच्चा समझता है और बच्चे को इजाजत होती है कि वो आपको। अच्छा, एक जो चीज में बहुत जरूरी करती हूँ, अगर निटी ग्रिटीज में आ रहे हैं, तो जिस तरह मेरी बेटी माशाल्लाह 5.5 साल की है, तो वो डिसएग्री करती है जो मुझसे बहुत सारी बातों पे। वो कहती है, मामा यू आर ओल्ड एंड आई एम ओल्ड, मैं 40s में हूँ और वो अभी 5.5 साल की, जनरेशन गैप बहुत है हम दोनों में। तो मैं कहती मामा यू आर सो ट्रेडिशनल इन योर रोल, एंड आई सेड देयर इज नथिंग रॉन्ग विद बीइंग ट्रेडिशनल, मेरी सकाफत, मेरा जो जमीन जो मुझे इन्फॉर्म करती है उसमें आज मैं हूँ वो हूँ, एंड शी एक्सेप्ट्स दैट, कि मामा यू आर अ डांसर, यू आर अ सिंगर, यू आर एन एक्टर, यू आर एन एजुकेशनिस्ट। अभी एक 5.5 साल की बच्ची आज ये जुमले बोल रही है मुझे, मैंने नहीं सिखा उसको, पर वो और भी चीजें देख रही है और लोगों के साथ भी इंटरेक्ट कर रही है। तो मुझे जब वो कहती है ना आई डोंट वांट टू डू दिस, तो मैं उससे ये सवाल करती हूँ कि मेरे इस सवाल का जवाब सेटिस्फैक्टरीली दे दो, एंड देन यू विल डू व्हाटएवर यू फील लाइक। सो यू डोंट वांट टू डू दिस और यू वांट टू डू दिस, व्हाई? मुझे क्यों का जवाब दे, रीजन। रीजन नहीं खाली, वो क्यों, वो क्यों क्यों करना चाह रही हो तुम? तो वो सोच में पड़ जाती है, और ज्यादातर हमें
हमें सब W's सिखाए हुए हैं, व्हाट, व्हेन, वेयर. टाइम ये क्यों इसलिए होता है कि या तो उसने किसी दोस्त को देखा होगा कि क्यों वो कर रही है, तो मैं भी करूं, क्योंकि उसने किया तो मैं भी करूं. मैं कहती हूं, नो, यू डिडंट सैटिस्फाई मी, यू आर नॉट अलाउड टू डू इट. तो वो क्या करती, एक दो दफा जब उसको ढस पड़ी है तो उसने कहा, ओहो मामा तो सीरियस है और बाबा भी सीरियस है. तो एंड ऑल्सो जिशान एंड आई आर बोथ ऑन द सेम पेज. हम कभी भी ये नहीं होता कि मैं ना करूं तो वो हाँ कर दे. ये बहुत जरूरी है कि आप जब भी पेरेंटिंग कर रहे हैं, इसमें बहुत ज्यादा है कि एक टीम होके काम करना, चाहे आप एग्री करें या डिसएग्री करें, लेकिन वो पहले किसी एक मुद्दे पे आप दोनों को एग्री करना है, वरना बच्चे और ज्यादा डबल माइंडेड हो जाते हैं, भाई अम्मा की सुने अब्बा की सुने, क्या करें. बहुत बहुत जबरदस्त बातें की है और बहुत अच्छी मैं समझती हूँ, काफी ऐसे लोगों को काफी कुछ सीखने को मिलता होगा. आपने जो सारी ये अपनी लाइफ का हमें बताया कि आपने कभी एक्टिंग की है, कभी सिंगिंग की है, कभी वो की है, तो सबसे ज्यादा जो एक बहुत खूबसूरत से सवाल, एक हमारा सेगमेंट होता है रैपिड फायर, मैं आपको जल्दी एक पूछूंगी, जस्ट टू नो कि कैफ गजनवी बेसिकली अपने आप को क्या समझती है, कहाँ देखती है. बाकी तुमने ये बहुत मुश्किल सा सवाल है, लेकिन हम लोग, हमारी कोशिश होती है कि हमारे शो में जो भी गेस्ट आए हम उनको थोड़ा सा जान सकें, अपने नाजरीन के आगे उनको थोड़ा सा और खुल के रख सके. लेकिन ये जो सेगमेंट है नाजरीन, ये सेगमेंट असा खिरनासी ब्रेक खप हो, सो किथे न वन जो असा सा गद रह जो, वी विल बी राइट बैक. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. असांजो सेगमेंट आहे जेको असां खेॾंदासीं पंहिंजे गेस्ट सां गॾु और कैफ के साथ. हम कुछ एक मज़ेदार सा सेगमेंट है वो खेलेंगे. कैफ, आपको हम एक, मैं लव्स दूंगी, कुछ ऑप्शंस होंगे, उनमें से आपको किसी एक को चूज करना है. ओके, ठीक है. तो जस्ट बी योरसेल्फ, ज्यादा सोचने का टाइम आपको नहीं मिलेगा. तो जल्दी जल्दी आपने करना है, ठीक है. डांस और एक्टिंग? डांस. सिंगिंग और राइटिंग? सिंगिंग. आई सी. शायरी या शायर? शायर. इस पे तो बहुत गहरी बातचीत हो सकती है. करें करें. वाह वाह, जबरदस्त. जिंदगी या मौत? मौत. बारिश या बर्फबारी? ओह, कोई भी नहीं. ओह, ये कैसे हो सकता है? शदीद बुरे लगते दोनों मुझे. दोनों ही. शायर भी चाहिए और इस तरह की चीजें, तो ये तो बड़ा है. नहीं नहीं, एसी में भी बैठ सकते हैं शायर. अच्छा भाई, ठीक है. अच्छा, चाय और कॉफी? चाय. चाय, जबरदस्त. घर का खाना या बाहर का खाना? घर का. जबरदस्त. ट्रेडिशंस, सकाफत अपनी, या जो मॉडर्न एरा में आजकल आए हुए होते हैं, मॉडर्निज्म को ज्यादा? ट्रेडिशन. ठीक है. आपका जो अपने बच्चे है, उनमें से जो है आप अपनी बेटी या बेटा ज्यादा? बेटी में भी बेटा नजर आता है और बेटे में भी बेटी नजर आती है. वाह, क्या बात है, जबरदस्त, बहुत बेहतरीन बातचीत. अच्छा, ये जो आपने एक शायरी और शायर की बात हुई, यहाँ से बात शुरू करते हैं, शेर और शायरी पढ़ती है? बहुत कम, लेकिन लिखती ज्यादा हूँ और सुनती हूँ. अच्छा, पढ़ती नहीं हूँ मैं, पढ़ने में इतना मजा नहीं आता मुझे. सही. किसको ज्यादा सुना है? अनफॉर्चुनेटली नाम मैं बता नहीं सकती. जिस तरह अभी आजकल तो जॉन एलिया बहुत ज़्यादा सरफेस हो जाते हैं, तो उनका मुझे तंज जो है वो बहुत अच्छा लगता है, हंसा देता है. अच्छा. बहुत अच्छी शायरी मुझे जो सोच में डुबो देती है वो जोश मलियाबादी की है. सही. और गालिब की है. मुश्किल है समझना, लेकिन बहुत सी जगहों पर बड़ी अलग अलग, गालिब की खास तौर पर जो शायरी है वो मुख्तलिफ एराज में उसने मुझे बड़ी अलग अपनी शक्ल दिखाई है. तो मतलब एक शेर का, जब मैं शायद 16-17 साल की थी, कुछ और मतलब मेरे लिए था. जब मैं 20 उसमें हुई, 20s में आई, तो वो कुछ और उसमें डेप्थ आई. अच्छा. और अब मैं 40s में हूँ, तो मैं किसी और तरीके से उसको देखती हूँ. तो अच्छा. ये शायरी होती मेटाफोरिकल है, तो दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट, कि शेर आपके लिए बदलता रहे, बदलता रहे और उसकी उसके माने और से और निकलते रहे. जबरदस्त. बहुत कुछ किया है लाइफ में आपने, लेकिन अभी भी ऐसा कुछ है जो आप
आपने अभी भी करना है, यू वॉन्ट टू डू, के अभी टाइम नहीं मिला लेकिन अगर कभी मौका मिले तो मैं जरूर करूँ? टाइम तो मिलता रहता है, मुश्किल बहुत है वो करना, अपना आपको समझना। मैं अभी तक खोज में हूँ कि मैं हूँ क्या। अभी आप कहते हो ना कि आप हूज कैफ, तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है बा कि मैं आपसे सुन लूंगी कि कैफ कौन है, मैं किसी और से सुन लूंगी कि वो तुम्हारे बारे में ये बोल रहा था या रही थी, या कोई और मुझे वो करेगा डिस्क्राइब, और सबकी डिस्क्रिप्शन अलग होंगी। पर मैं जब अपने आप को डिस्क्राइब करने बैठती हूँ तो मेरे पास सिवाय आप लोगों के जुमले के अपने आप को डिस्क्राइब करने के लिए कुछ नहीं है। तो मुझे ये बड़ी मुअम्मा में डाल देती है चीज कि मैं क्या लफ्ज़ चुनूं कि मैं कौन हूं। सही, तो ये मैं चाह रही हूं कि कभी हल हो जाए, हल हो जाए। उम्मीद है कि जल्दी दरियाफ्त होगा, आप कर लो। बुढ़ापे में भी होता, मरने से पहले हो जाए तो अच्छा होगा, मजा आएगा। मजा आएगा बेसिकली। वाह क्या बात है, बहुत खूबसूरत बात। अच्छा, जब आप इस तरह के बहस मुबाहसों में आती हैं तो आपके दोस्त और जो है फैमिली मेंबर्स हो गए, सबसे ज्यादा करीब आपके लाइफ में ऐसा कोई है दोस्त जो आप समझती हैं कि आपको समझे, जिससे आप कुछ भी शेयर कर सकते हैं? मेरे हस्बैंड है, उनसे मेरी जिंदगी का कोई पहलू नहीं छुपा हुआ, मतलब कोई पहलू नहीं छुपा हुआ। और वो मेरे दोस्त, सबसे पहले हम बेस्ट फ्रेंड्स थे, फिर हमने तो नहीं, मैंने जबरदस्ती शादी की उससे। जबरदस्ती करवाई, तो वो तो कह रहा था ना करो ना करो, तो वो फिर खामन बने मेरे हस्बैंड। अब वो हस्बैंड बनके भी बहुत अलग लेवल पर एक दूसरे को जाना, बहुत खूबसूरत रिश्ता होता है जब इस तरह की बॉन्डिंग आपकी होती है आपके लाइफ पार्टनर के साथ। और अगर आप कुछ भी बता सको उसको, जरूरी नहीं कि आपका अच्छा हस्बैंड आपकी हर बात झेल सके, पर आपका सबसे जो अगलीस्ट पॉइंट है और शक्ल है वो, उसको अगर वो झेल जाता है तो इससे बड़ा रिश्ता कोई नहीं है। माँ बाप तो वैसे आपको प्यार करते हैं क्योंकि आप बचपन से आपने उनके साथ गुजर, आंखें खोली होती हैं, उन्होंने आपको पैदा किया होता है, वैसे उनके प्रेशियस चाइल्ड होते हो। लेकिन ये जो एक रिलेशनशिप है, आई डोंट थिंक एनीथिंग कैन बीट इट। तो मैं बहुत शुक्र गुजार हूँ खुदा की कि मुझे ये रिश्ता मिला, और मुझे ये भी अच्छा लगा कि मैंने उसे पहचाना। क्योंकि कोशिश कभी कभी आप के लिए जो पहचान में आ रहा होता है, आपके लिए आ रही होती है, उसके इर्द गिर्द सर्कमस्टांसेस सही नहीं होते, तो आप डरते हो जाते हो उधर, आप उस दलदल में नहीं कूदते हो, पर कभी कभी वो दलदल जो है वो कुछ और ही बन जाता है। आपकी जिंदगी बदल जाती है। जबरदस्त। अच्छा, आप जब इस तरह का करती है तो सोशल एक्टिविस्ट है काफी सोसाइटी में, आप देख रही है अलग अलग किस्म के काम करते हैं वहाँ पे, तो आप वहाँ पर किस तरीके से अपना कंट्रीब्यूशन दे रही है, आजकल क्या कर रही है उसके अलावा? अच्छा बाग, ये तो इस तरह से है कि जिस तरह मैंने आपसे पहले बात की कि जब आप इस तरह का कोई ट्रॉमा होते हो देख रहे होते हो तो उसका आप अनदेखा कर ही नहीं सकते, फिर आप कैसे उसकी मदद करो, या आप अनअफेक्टेड रहते हुए कैसे उसमें अपना कंट्रीब्यूशन कैसे दो? तो मेरा ख्याल है कि जो मैं कर सकी हूँ अभी तक, और हर दफा मैं उसमें पास नहीं होती, बहुत दफा फेलियर्स हो जाते हैं, एक ट्रस्ट लोगों का डेवलप आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है, जिसमें वो मुझे आके अपनी कहानी सुनाते हैं। अच्छा। सिर्फ शेयर करते हैं, ज्यादा एज सच वो नहीं है कि मैं उनको बहुत वक्त दे रही हूँ, पर वो अपनी कहानी कभी लिख के भेज देते हैं, कभी वॉइस नोट में भेज देते हैं मुझे किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जो मेरे हैं, और वो कहानियाँ सुनना पढ़ना बहुत तकलीफदेह अमल होता है, लेकिन फिर आप अपने बच्चों को सामने भागते हुए देख रहे होते हो और उनकी ये कहानी पढ़ रहे होते हो, और फिर आप कहते हो नहीं आपने ये करना है, क्योंकि आपको इवेंचुअली मेरे बच्चे भी इस मुआशरे में बाहर जाएंगे, मुझे उनके लिए सेफ मुआशरा चाहिए, तो मैं कैसे कर सकती हूँ उसको सेफ? सही। तो मुझे आगाही होना बहुत जरूरी है, और उस आगाही में मेरे वुसत होना बहुत जरूरी है सोच की। तो मैं आई लैंड माई ईयर, आई लैंड माई आईज, आई रीड, जिनको मेरी तरफ से डिमांड होती है, वो मुझे डिमांड करते हैं कि आपका रिएक्शन चाहिए, मुझे हल बताएं, तो मैं उनके साथ बैठ के डिस्कशंस भी कर लेती हूँ। ये पर वही बात है कि जिस नौयत का जो भी उनके साथ हुआ होता है, ज्यादती हुई होती है,
वो हर बंदा नहीं नरेट कर सकता, उसको जबान पे लाना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फिर वो सच हो जाता है ना, तब तक आप भाग रहे होते उससे। तो वो लोग बड़े बहादुर हैं जो इस तरह से अप्रोच कर रहे हैं और बता रहे हैं। हाँ, क्योंकि मैं कोई साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट नहीं हूँ, मैं सिर्फ अपना सोच वसी रखने की कोशिश करती हूँ और दिल खुला रखने की कोशिश कर रही हूँ कि जज तो ना उनको कोई आप फिर एडवाइस करती हैं या फिर क्या करती हैं? जिनको एडवाइस चाहिए, क्या करती हैं आप? जो अगर वो मुझसे एडवाइस मांगते हो तो मैं एडवाइस करती हूँ। जिस तरह जरा टेक्निकली मुझे संभल के चलना होगा क्योंकि मैं किसी की आइडेंटिटी को भी नहीं सामने करना चाहती। तो इस तरह से कि अगर लेट्स सपोज के हाल ही में मुझसे किसी ने अपनी कहानी शेयर की, जो खातून मेरा एक अभी पॉडकास्ट ऑन एयर हुई थी जिसमें मैं बाप की ज्यादती अपनी बच्ची के साथ, बेटी के साथ का जिक्र कर रही थी, तो इसी से रिलेटेड कुछ कहानियां मेरे सामने आई। और वो बड़ी खुद बच्ची शादीशुदा हो गई है, उसके अपने बच्चे हैं, कह रही थी कि मैं अपने खावन को बेटी को हाथ नहीं लगाने देती, डायपर भी नहीं बदलने देती, क्योंकि मैं नहीं, क्योंकि वो खुद उससे गुजरी हुई है। तो मुझे इस तरह के जो ट्रॉमास होते हैं पूरी जिंदगी आपके साथ रहते हैं, लेकिन ये बात आपको हील करना पड़ता है। उसको हील करने की इजाजत ना माने दी, जल्दी से शादी कर देते हैं ना। तो आप अब वो बता रही है कि मेरा खावन बहुत परेशान है मुझसे कि तुम मेरी बेटी को मुझे हाथ क्यों नहीं लगाया। और फिर उस एक वक्त आएगा जब वो समझेगा यही सही है कि मैं अपनी बेटी को प्यार नहीं कर सकता। तो उसने मुझे जब ये बोला, उसने मुझसे खुद सवाल किया क्या मैं सही कर रही हूँ, और मैंने कहा आप मुझसे सच सुनना चाहते हो तो नहीं, क्योंकि आपके ऊपर जो गुजरी आप उसको रिपीट करवा रहे हो अपनी बेटी के साथ और अपने खामे अननोइंगली, उनको पता भी नहीं है कि आप उनको उस ट्रॉमा में से गुजार रहे हो, और ये बहुत गलत बात है, ये ज्यादती है, क्योंकि वो अंधेरे में हाथ पैर मार रहे हैं इस वक्त। तो उस खामन को ये समझ में नहीं आ रहा कि क्यों रोक रही है, और बार बार वो क्या हो रहा है कि बेटी और बाप का रिश्ता सेक्सुअलाइज्ड होता जा रहा है, हालांकि यहाँ पे सेक्सुअलाइजेशन होनी ही नहीं चाहिए। बाप अगर बेटी के डायपर चेंज कर रहा है तो उसको करना है, वो प्यार है, वो वक्त है जिसमें बच्ची पैर भी मारेगी, हंस के भी देखेगी आपकी, आपको वो उस नजर से पहचानना शुरू करेगी प्यार की। हाँ, तो आप जब बार बार ये करोगे तो बच्ची भी कुछ दिनों में जब उसको शऊर आना शुरू होगा, 3-3.5 साल की उम्र में मेमोरी डेवलप होती है, उसी चीज को समझेगी ना कि बाप हाथ नहीं लगा सकता, ये नहीं, मैं करीब नहीं जा सकती। तो जो लम्स है ना बाप की मोहब्बत का, और जो बेटी की मोहब्बत का लम्स है, वो ना बाप समझ सकेगा ना बेटी समझ सकेगी। तो उसने अब देखें वो क्या करती हैं, अल्लाह करे वो अपने ऊपर काबू पा लें और अपने आप को हील कर सकें, क्योंकि सबसे ज्यादा हीलिंग उस बच्ची की जरूरत, उस माँ की जरूरत है। बच्ची और बाप शायद अपना रिलेशन कभी बना ले। हमारे सोसाइटी के टैबूज हैं, बहुत चीजें हैं। आप फेमिनिस्ट अगर किसी को कहा जाए, मर्द भी हो सकता है औरत भी हो सकती है, इस चीज को आप कहाँ देखती हैं? क्या आप फेमिनिस्ट हैं, और अगर हैं तो किस किस्म की फेमिनिस्ट? आज जिस तरह से फेमिनिज्म है, मैं वो नहीं हूँ, और मैं उसको निगेट करूंगी बहुत बुरे तरीके से, क्योंकि आज की फेमिनिस्ट ने मर्द से नफरत करना सिखा दिया है, और मुझे नहीं लगता मर्द नफरत के काबिल है, क्योंकि वो एक इंसान है और वो इस मुआशरे का हिस्सा है, और उसके बगैर बहुत सारी चीजें नहीं हो सकती। हम मर्द बनना भी नहीं चाहना, औरत मर्द नहीं बन सकती, मर्द औरत नहीं बन सकता, बिल्कुल। और आप, लेकिन ये दोनों हकीकतें डिनाई भी नहीं हो सकती कि मर्द और औरत दोनों हकीकतें हैं। आप ना औरत को डिनाई कर सकते हैं ना मर्द को, नहीं, बिल्कुल नहीं। आप किसी भी एक को चूज नहीं कर सकते, आपको दोनों को एक साथ लेके चलना है। देखिए बड़ा मजे की, मैंने डांस की जब बात की कि मैं क्यों चूज करती हूँ डांस को, डांस में अब क्लासिकल और ट्रेडिशन को मैं क्यों चूज करती हूँ, ट्रेडिशन से मेरा मकसद है क्लासिकल की तरफ। अगर आप क्लासिकल को देखें तो क्लासिकल जो है वो जमीन में सबसे ज्यादा गड़ा हुआ है, आपके खित्ते में सबसे ज्यादा जो रूट से क्लोज है वो क्लासिकल है, रूट से क्लोज निकलता ही वहां से है। तो उसके अंदर जेंडर जो है उसको सिर्फ तभी अलग किया जाता है जब आपको अलग अलग उसके पहलू दिखाने होते हैं, कि वो जो वननेस है, जो सिंगुलैरिटी है, उसमें और क्या क्या खूबसूरतियां हैं, उसमें क्या क्या रोबस्टनेस है, स्ट्रेंथ है, उसमें क्या क्या क्रिएटिविटी है और चंचलपन है। तो यहाँ पे मर्द और औरत का जो जिन्स है वो अलग होके दिखता है, लेकिन डांस के अंदर
जो डांसर है वो मर्द भी है और औरत भी है. मेरे अंदर मैस्कुलिन स्ट्रीक भी है, फेमिनिन स्ट्रीक भी है. जब मुझे जरूरत पड़ेगी कि मैंने मर्द बन के सोसाइटी में निकलना है, तो मेरे अंदर ये सलाहियत होनी चाहिए और कल्टिवेटेड होनी चाहिए कि मैं वो मर्द बन सकूं. अरे मुझे जबरदस्ती मर्द बनने की जरूरत नहीं है. अगर बहुत सारी औरतें मर्दाना कर भी नहीं सकती बिहेव, उनके पास रिलेशनशिप्स का वो तरीकेकार नहीं है. तो आप ये कहेंगे कि नफरत करो, मर्द बन जाओ, तुम मर्द का काम भी कर सकते हो. क्यों करो यार? मैं अगर माँ हूँ, मैं चाहती हूँ मैं घर में अपने बच्चों को टाइम दूँ, क्योंकि ये मेरी बॉडी डिमांड कर रही है कि मैं उसको टाइम दूँ, और मेरा खावन बाहर जाके काम करेगा. तो बेसिकली ये जो फेमिनिज्म है, कहा जाए तो ह्यूमनिज्म से अलग है. आज का फेमिनिज्म ह्यूमनिज्म से अलग है. क्योंकि वो क्या कर रहा है, वो एक ऐसी औरत जिसको जरूरत नहीं है, वो कह रहा है कि तुम बच्चा भी पैदा करो और उस प्रेगनेंसी में जाके तुम बाहर काम भी करो. कर सकती है औरत, मैं उससे इनकार नहीं कर रही, पर आप ये जो अब्यूज हो गया ना पावर का, अग्रेसर का सबमिसिव के ऊपर, ये जो अब्यूज है ये इसको ओवरप्ले किया जा रहा है. और मुझे नहीं लगता कि आप ये पावर गेम है बाग, इसमें औरत के हकूक वगैरह बहुत सारी फेमिनिस्ट आपको नजर आएंगी. आप जरा जाके खड़ी उनके साथ एज कॉलीग्स, आपको ऐसे नीचे गिराएंगी, ऐसी टांग खींचेंगी. सबसे ज्यादा औरत के ऊपर तोहमत औरत लगाती है, फेमिनिस्ट औरत लगाएगी. वो कहेगी वो तो सीईओ बन के बैठी हुई, जरूर सो के ऊपर जाए गई होगी. सबसे ज्यादा औरत कहेगी ये बात. मैंने आज तक किसी मर्द को ये तोहमत लगाते हुए किसी और, हाँ वो मर्द जो कि ट्रॉमेटाइज्ड है और ट्रेजेडी उसके साथ हो चुकी वो कहेगा, लेकिन अक्सर कॉलीग्स आपके बड़े आपके साथ चल, वो आपको उसी तरह से खींचेंगे. वो एक पावर प्ले चल रहा होता है जो कि आप लेके ऊपर चल रहे. तो मुझे लगता है जो आज का फेमिनिस्ट है, मैं उससे बिल्कुल अग्री नहीं करती हूँ. मैं नहीं चाहूंगी मेरी बेटी और बेटा उस तरह का फेमिनिज्म देखे भी. लेकिन फेमिनिज्म क्या है, मेरा घर पूरा मैट्रियार्कल घर था. बहुत जल्दी मर्द मर गए हमारे घर में. तो मेरी पर नानी 26 साल की थी. अच्छा। मेरी पर दादी जो मेरे नाना की अम्मी, नानों की अम्मी, ये इनके साथ हमने बहुत वक्त गुजारा है. उनकी बातें, उनका हुलिया, उनका मुलाहिमत, उनका जिंदगी को देखने का तरीका. बच्ची जवान हो रही है तो उसको कैसे डील करना है, बेटा जवान हो रहा है तो उसको, क्यों बेटे की जवानी भी बहुत जरूरी है संभालना, सिर्फ बेटी की नहीं है. तो बेटा बहुत चीजों से गुजर रहा होता है. तो मैंने देखा कि वो मेरे भाइयों को किस तरह संभालते. अब ये 100 साल की बुजुर्ग औरतें थी जो फिर गुजर गई 100 साल की उम्र में. दे डाइड एंड उन्होंने पार्टीशन भी देखा, पर उन्होंने अपने मर्द खोए पार्टीशन के दौरान. और फिर 26 साल 33 साल की उम्र में वो बेवाएं हुई, और इतने सारे बच्चे, क्योंकि शादियां जल्दी हो जाती हैं, तो बेवाएं वो बच्चे लेके पाकिस्तान आई और उन बच्चों को बड़ा किया, उनको उस जगह मुकाम तक पहुंचाने में मदद की कि आप कुछ बन जाए. और गुर्बत से आप उठकर अपने आप को मनवा रहे हो, अपना लोहा मनवा रहे हो. तो मुझे लगता है कि ये फेमिनिज्म है. वो मर्द जो कि जो हमारे घर के मर्द हैं, जिन्होंने बेटियों को कहा कि जाओ भाई जाके बाहर काम करो, कुछ गलत होता है बताओ आके, हम साथ खड़े. ये फेमिनिज्म उल्टा ये नहीं कि ओह तू बाहर क्यों निकली, तूने दुपट्टा नहीं पहना होगा इसलिए तेरे साथ ही होगा. नहीं भाई, मेरे नाना मेरे अब्बा ऐसे मुझे बाहर भेजते थे कॉन्फिडेंटली. और मुझे अब समझ आता है कि ये कितना ड्रॉनी तरीका है, मतलब ड्रॉनी अमल है. मैं अपनी बेटी को सोचती हूँ ना कि अब ये बाहर जाके किसी के घर जाएगी और इंजॉय करेगी, मेरा दिल यूं हो जाता है कि ये अकेली होगी वहां पे. पर हमारे वालदैन ने किया कि जाओ जॉब करो. मैं 14 साल की उम्र में थी जब मुझे उन्होंने कहा कि गो स्टार्ट वर्किंग. सो आई वर्क इन मेनी डिसिप्लिन्स. मुझे पता चला कि मेरी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस क्या हैं. जब इंसान जाएगा कहीं बाहर अपने कंफर्ट जोन से निकल के कहीं जब जाते हैं काम करता है ना, तब उसको पता चलता है कि आपको अपने जगह कैसे बनानी है किसी भी नए एनवायरनमेंट. बिल्कुल. या अपने सोसाइटी का पता चलता है. घर का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है. जिनके पास है, जिनके पास नहीं है मैं उनको नहीं कह रही है, उनके सर्कमस्टेंसेस अलग. बहुत एक ये मैं समझती हूँ इतने लंबे और गहरे मौजूआत हैं, लेकिन अगर इनको एक लफ्ज में ढाला जाए तो आप किस चीज के लिए कौन सा लफ्ज जो है वो आप सिलेक्ट करेंगे? अगर मैं आपको बोलूं औरत, तो औरत एक लफ्ज में औरत क्या है? कुदरत का शाहकार है. फन. ये अता हुआ है आपको, बहुत कीमती चीज अता हुई है, और इसके साथ आपने झूठ नहीं करना. इंसानियत. ये इंसानियत जरूरत.
हकीकत ओवररेटेड क्योंकि बात क्या है, मैं ये समझाना चाहूंगी क्यों बोल रही हूँ। आपकी हकीकत मेरी हकीकत से बहुत फर्क है। मेरी हमारी यहाँ पे बैठी हुई हकीकत बाहर की काम करने वाली औरत से जो सड़क पर इस वक्त जा रही है उससे बहुत फर्क है। हम अगर उसके जाके, ये वही बात है लेकिन choices की बात, choices important है। हम मेरी हकीकत में हो सकता है चॉइस ये हो कि मैं अपने बच्चे को, शायद जिस तरह ये भी वाक्य हुआ कि एक औरत पकड़ी गई, पुलिस ने पकड़ा, बहुत बड़ा वाक्य पंजाब में बना। वो मुट्ठी नहीं खोल रही थी अपनी, कुछ टू पीपल वर इन्वॉल्वड इन एन इंटरकोर्स, तो वो मर्द तो भाग गया। ये कपड़े पहनने में इसको टाइम लगा, इसने मुट्ठी नहीं खोली, और जब वो मुट्ठी खोल के वो पोटली उसने खोली तो उसमें सालन था। तो उसने कहा कि मैं बच्चों के लिए खाना लेके जा रही हूँ, जो पुलिस जिसने पकड़ा उसको, कि ये उस मर्द ने मुझे कहा था कि मेरे साथ रहोगी तो मैं तुम्हें खाना, ये हाँ मेरे पास सालन है मैं तुम्हें दे। तो वो घर गई अपने, उसके तीन बच्चे भूखे थे 3 दिन से। ये उसकी हकीकत है। मैं कभी भी उस औरत को बुरा नहीं कहूंगी, उसने जो किया सही किया, क्योंकि उसने अपने बच्चों को खाना खिलाना था। उस हालात में उसको जो चूज करने को मिला, इसी तरह मर्द भी होता है। मर्द गाली क्यों खाता है अपने बॉस की, वरना वो ठुकरा के आ जाए, वो बोले भाड़ में जाओ, क्योंकि उसने घर में पेट पालना। तो हर बंदे की हकीकत अलग है और हकीकत ओवर रेटेड है। मैं ये नहीं कह सकता, कोई कहेगा ना व्हाट इज रियलिटी, भाड़ में जाओ, व्हाट इज रियलिटी, हाउ डेयर यू आस्क मी व्हाट इज रियलिटी। सॉरी आपको नहीं कहूंगी, लेकिन बहुत लोग मुझसे आके पूछते हैं कि व्हाट इज योर रियलिटी, आई एम लाइक व्हाई शुड आई टेल यू, तुम कभी नहीं समझोगे, और मुझे भी तुमसे नहीं पूछना क्योंकि मैं कभी नहीं समझूंगी। यहाँ पर हम अपनी रियलिटी को समझ लें, वही गनीमत है। बिल्कुल सही बात दादी, बेहतरीन किस्म जी गुफ्तगु हले पई, ॾाढो जबरदस्त किस्म जी गालियूं आहिनि जेके कैफ सां कनि, कैफ असां सां शेयर पई करे। ऐं नाज़रीन, इहे उहे ॻाल्हियूं आहिनि जेके नॉर्मली तव्हांखे ॿुधण लाइ न मिलंदियूं, पर असांजे शो में तव्हां ॿुधो था ऐं तव्हां सम्झो बि था। ॾाढो बहितरीन किस्म जो हिकिड़ो शो आहे असांजो। ऐं जीअं त असांजी जेके बि हक़ीक़तूं आहिनि, जेके बि ॻाल्हियूं आहिनि, मौसीक़ीअ सां ॻाल्हि ॿोल थी हुई, उन हवाले सां डिस्कशन थी। सो मौसीकी हुजे या असांजे शो में मौसीकी न हुजे, ईअं नथो थी सघे। सो हिकिड़ो नंढिड़ो गानो आहे मौसीकी, हलो ॿुधी था अचूं, मज़ो करे था अचूं, इंजॉय था कयूं, वरी पोइ तव्हां सां वधीक ॿीहर ॿी कचहरी जारी रखंदासीं। चंड न कंहिंजो यार
पखियड़ा चंद्र न कह जो या जन्नत चाहे तो जख चाहे छे विचार जन्नत चाहे तो जख चाहे छे विचार मिठड़ी 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 निंत्र प्रिया जे पासे में करया पासे में करया चंद्र न कहजो यार पखियड़ा चंद्र न कहजो यार चंद्र न कहजो यार पखियड़ा चंद्र न कहजो यार चंद्र न कहजो यार चंद्र न कहजो ब्रेक खां पोइ हाज़िर आहियूं ऐं ॾाढी बहितरीन ॻाल्हि ॿोल हले पई कैफ आपने जब ये चीज़ें बताई हमारे साथ हमारे नाज़रीन के साथ जब शेयर हुई बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं अपने लफ्ज़ों में जब इस तरह की कंडीशन आती है तो क्या करती हैं उस मरहले से कैसे गुजरती हैं कि कुछ चूज़ करना है कोई बहुत बड़ा फ़ैसला लेना हो तो फिर क्या करती हैं कौन सी चीज़ें जो आपको मोटिवेट करती है उस वक्त हेल्प करती है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो उस वक्त याद रखना होता है कि वो वल्नरेबिलिटी याद रखनी होती है कि आपने जो भी आपके साथ हो रहा होता है वो आइदर और होगा उसका कंक्लूजन तो आपने बस ये देख लेना होता है कि आपके अंदर हिम्मत हो से झेलने की और ये मेरा ख्याल है ये मेरी तरबियत का हिस्सा था क्योंकि हमारे घर में जो मेरा ननियाल था खास तौर पे मुझे जो तरबियत दी गई उसमें ये था कि हम आके बहुत सारी बातें अपने बड़ों से शेयर करते थे और वो हमारी एडवाइस लेते थे उस पर घर के बहुत से मामलात में एडवाइस ली जाती थी हालांकि 12-13 साल की उम्र के थे लेकिन वो एडवाइस ली जाती थी तो बहुत सारे बड़े बड़े ऐसे फैसलों को हमने पुश किया अपने बड़ों के साथ जो कि फेल भी हुए अब उस फेलियर को झेलना कैसे है तो ये सीखा ना कि उनको उन्होंने क्वेश्चन करने की कोशिश की हमें तो वो जो एक आपके जो इर्द गिर्द का माहौल होता है ना उसमें एक अलग किस्म का आपके अंदर बहादुरी सी आ जाती है कि यार मैं कर जाऊंगी कि नहीं हुआ कोई बात नहीं दोबारा और एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट बात चीज है हमें सिखाई गई और मेरे हस्बैंड भी इस बात को अब हम मिलके कल्टिवेट करते हैं कि कोई चीज हर्फ आखिर नहीं है इस दुनिया में आपके साथ अगर बुरा हो गया तो खड़े हो यार कोई बात नहीं एंड मेक अनदर चॉइस ताकि उसका कंक्लूजन डिफरेंट आए थोड़ी देर के लिए सेटबैक आता है पर किससे रेस लगा रहे हो सही रेस तो किसी से नहीं है ना क्योंकि मेरे घर की मेरी रेस मेरे से ही है बिल्कुल और उसमें मैं ही हूँ सारे के सारे घोड़े तो मैंने देखना है कि मेरा कौन सा घोड़ा जीत रहा है और किस वजह से जीत रहा है
तो मुझे ये देखना है कि कौन सी कैफ जो है उसने किस तरह का उस वक्त डिसीजन लिया और वो किन किन वजूहात की बिना पर वो फेल हुआ। तो मैं नेक्स्ट टाइम वो नहीं करूंगी। अगर मैं वो करती रहूंगी तो इसका मतलब है वो साइकिल टॉक्सिक बनती रहेगी और रिपीट होती रहेगी। बहुत बेहतरीन। तो ये है जी, ये एक बात। और दूसरा, जब आपको मी टाइम चाहिए होता है, क्या करती हूँ आजकल? बड़ा ये टैबू है मी टाइम का, भाई मुझे मी टाइम चाहिए। मी टाइम मिलता मुझे है। मेरे 9 साल की बेटी कहती है मुझे मी टाइम चाहिए, मैं उसको देख रही होती हूँ। अच्छा भाई ले लो। देखो मी टाइम जरूरी है, मुझे लगता है ये बड़ा फैंसी सा वर्ड आ गया, लेकिन वो होता है ना आपको जो लग्जरी ऑफ डूडलिंग है, लग्जरी ऑफ थिंकिंग है, वो लोगों से छीन ली गई है। क्योंकि क्या हो रहा है कि वो ये जो स्क्रीन है वो इतनी हमारे करीब आ गई है, द टच ऑफ योर फोर यू नो फोर फिंगर आ गई है कि आप सोचते हो कि यार बोर मत हो, चलो कुछ देख लो। सो व्हाट डू यू डू इन योर मी टाइम? आई डू रियाज एंड आई गेट सो बोर्ड। I get so bored कि क्योंकि बोरियत आपकी टॉक्सिसिटी निकालती है। ये जितनी भी आपकी बातें होती हैं दिमाग में एक वो भरा होता है, खन्नास भरा होता है, और उसमें आपने किसी की बात आपको तंग करी होती है, कोई जुमला आपको कसरा होता है, किसी विजुअल को आप लेके घर आए होते हैं और आपको तंग हो रहा होता है, तो वो जो रियाज में रियाजत के दौरान ये मेरा वो है तेरे, कुछ लोग किताबें पढ़ते हैं जी जी बिल्कुल, तो वो या गाने सुनते हैं, तो मैं जो हूँ वो सुर एक सुर पकड़ लेती हूँ और मैं उसको रियाज करती रहती हूँ। फिर एक वक्त आता है मैं थक जाती हूँ और मैं इतना बोर होती हूँ, इतना बोर होती हूँ, और फिर उस बोरियत के बाद वो सुर आपका हिस्सा बन जाता है, मैं उसका इंतजार करती हूँ उस वक्त आने का। कभी कभी उसमें जब तक आप भी लग जाते हैं, एंजॉय ना करें तब तक। हाँ, लेकिन ये वही चीज होती है बाग, जब आप ये लग्जरी है, मैं आपको बताऊँ, ये वही एंजॉय कर सकते हैं जो 9 to 5 जॉब नहीं कर रहे, नहीं कर रहा होता। क्योंकि जब आप 9 to 5 होते हैं तो आप नहीं, फिर आप बच्चों के पास आए, माँ बाप को देखें, थोड़ा सा टाइम निकलता है तो आप कहते हैं टाइम है तो चलो बच्चों के साथ ले लेते हैं, उनसे मिल लेते हैं, रिश्तेदारों से मिल लेते हैं, दोस्तों से मिल लेते हैं। तो ये आज के दौर का मी टाइम बिल्कुल नहीं है। हम मुझे याद है बचपन में अक्सर हम कभी कजिन्स के पास गांव जाते थे, चारपाई पे लेटे हुए हैं, वो चील उड़ रही है उसी को देख रहे हैं, ले जा रही है, ले जा रही है, गांव क्या और लेटे देख रहे हैं वो कहाँ जा रही है, क्योंकि थोड़े में एक कौवा आएगा उसको तंग करेगा, वो लड़ना शुरू हो जाएगी। हाँ तो वाह, टाइम ही ना होता कभी चील कौवा परिंदा कबूतर। अब बताएं चील को कोई देख सकता है? ना ना हम देख रहे हैं ना चील के पास इतना टाइम है, वरना पहले तो चीलें आगे हमले करती थी, वो भी बस वो भी डर जाती हैं वो। जबरदस्त बेहतरीन किस्म की गाल वो। अच्छा बहुत हमें तो, मैं मुझे तो बहुत पर्सनली मजा आया, मुझे भी, थैंक यू सो मच। आप बताएं, लेकिन आप फिर भी जाते जाते हमारे नाज़रीन को क्या कहना चाहेंगे, कोई आखिरी मैसेज कोई अगर देना चाहें? मैं ये कहना चाहूंगी कि रहम किसी के लिए दिल में रखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन रहम से ज्यादा हसास रहें, क्योंकि आप हसास होंगे तो आप एहतसाब भी रखेंगे, आप उसका हक भी नहीं मारेंगे, आप अपने आप के साथ भी अच्छा करेंगे, अगले बंदे को भी सुकून में रखेंगे और खुद भी सुकून में रहेंगे। तो हसासपन, एम्पथी, इसको अपने अंदर कल्टिवेट करें, बहुत जरूरी है, बहुत 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 जरूरी है। बहुत शुक्रिया, बहुत जबरदस्त मैसेज। हसास रहो, हसास रहण वाकई में इंसान हसास आए तो मतलब तो तमाम इंसानियत बाकी आए। सो ॾाढी बेहतरीन ॻाल्हि बोल रही, इंशाल्लाह ईंदड़ हफ़्ते वरी हिकिड़ी नई पर्सनैलिटीअ सां तव्हां सां मिलराईंदासीं। मुंहिंजी कोशिश रहंदी त कुझु नओं सिखूं, मां बि सिखां, तव्हां बि सिखो। सो वेंदे वेंदे पर ख़ूबसूरत हिकिड़ो कलाम आहे मौसीक़ी आहे, ॿुधंदा वञूं था, ऐं तेसि ताईं दुआनि में यादि अला भाई।
रगुलड़न ते मन ठा रहलिया रखी पे रगुलड़न ते मन ठा रहलिया मुझे साहस रजा मुझे साहस रजा सिंगा रहलिया रखी पे रगुलड़न ते मन ठा रहलिया रखी पे रगुलड़न ते मन ठा रहलिया मुझे साहस रजा मुझे साहस रजा सिंगा रहलिया रखी पे रगुलड़न ते मन ठा रहलिया रखी पे रगुलड़न ते मन ठा रहलिया ते में दिए वगो थी गुलाबी हथड़ ते में दिए वगो थी गुलाबी चेहरो खूबसूरत अखियों का भी अखियों का सच्चे सोन वारा पाए हार हलिया सच्चे सोन वारा पाए हार हलिया मुझे साहस रजा मुझे साहस रजा सिंगा रहलिया रखी पे रगुलड़न ते मन ठा रहलिया रखी पे रगुलड़न ते मन ठा रहलिया ढो सुनो तू मोती जो दानो आहे ढो सुनो तू मोती जो दानो महबूब आहे राजन जो राणो राजन जो राणो दिल तोखे सारे दिलदार हलिया दिल तोखे सारे ओ मुजा यार हलिया मुझे साहस रजा मुझे साहस रजा सिंगा रहलिया रखी पे रगुलड़न ते मन ठा रहलिया रखी पे रगुलड़न ते मन ठा रहलिया कुंड कुंड सजाए छड़िया सजे घर जी कुंड कुंड सजाए छड़िया थोड़ी से जतोले विछाए छड़िया गले तो खिलाया एक बार हलिया गले तो खिलाया एक बार हलिया मुझे साहस रजा सिंगा रहलिया रखी पे रगुलड़न ते मन ठा रहलिया रखी पे रगुलड़न ते मन